ओम नमो नारायण। सभी गुरुओं को चरण स्पर्श। भाई बहनों को नमस्कार। मैं महेश कुमार कुशवाहा यूट्यूब के कुशवाहा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और मैं आज आपको मोथा और नागर मोथा के अंतर बताऊंगा। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो इसको ज़रूर करिएगा और वीडियो शेयर करना ना भूलें, और कमेंट के माध्यम से अपने अनुभव नुस्खे भी बताइएगा। तो ये आप देखिए, मोथा घास है जो कि बहुत ज़्यादा है और यहाँ खेतों में किसानों के लिए एक मतलब बहुत घाटे का सौदा होता है और बहुत नुकसानदेह होता है। ये फसल को बढ़ने नहीं देता। आप देखेंगे फसल यहाँ पे सतावर, इसको दबा गया है और ये अपने ही बड़वार में लगा हुआ है, सारा खुराक ये ज़मीन का ले लेता है और इसकी जड़ कभी भी सूखती नहीं है और ये साथ साथ जड़ें एक साथ निकल जाती हैं और दूर चली जाती है। तो मैं आपको दिखाऊँगा, जैसे ही देखिए एक ये बड़ा मोथा है, इससे दो जड़ें निकली। ये बगल वाली जो जुड़ी हुई है ये भी इसी से ही जुड़ी हुई, जो बड़ा सा दोनों मेरे हाथ में, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। साइड में देखिए, ये साइड से फिर दो दो निकल रहे हैं, फिर इनसे दो दो निकलेंगे और ये पूरे खेत को छाप लेते हैं। और इन्हीं जगहों पे ये जो निकल रहा है, तो मैं दिखाऊंगा तो यहाँ पर ही ये गांठ बन जाती है, ये जो जगह है जहाँ से किला निकल रहा है, तो इसकी मोथा की जड़ बोलते हैं उसे। और बोलते हैं मोथा की जड़ कभी ख़त्म नहीं होती, ना कोई निकाल सकता है। तो इसमें देखिए पुरानी छोटी सी जड़ निकली, क्योंकि मेरे को खुरपी इधर आती नहीं तो मैं बताता, ये जड़ है आपको दिखाएंगे। इसमें काले रंग की देखेंगे, ये अंदर से सफ़ेद होती है और बाहर काले रंग की होती है। इसका मुझे दो अनुभूत प्रयोग पता है, मैं आपको दोनों बताऊंगा। पहला प्रयोग तो ये है कि इसको हम कभी भी बुखार या सर्दी जुकाम लगता है तो 5-6 काली मिर्च ले लें और 5-6 इसकी जड़ ले लें और उसको कूट करके, गुड़ डाल करके, तुलसी के पत्ते डाल करके, खूब हटा करके उस पानी को हम पीते हैं तो हमें बुखार वहीं रुक जाता है, ठीक हो जाता है, सर्दी जुखाम में भी फ़ायदा करता है। ये एक इसका प्रयोग है। दूसरा इसका प्रयोग है कि इसकी दो जड़ें ले लें, दो या तीन, और ऐसी एक दो लहसुन की कली ले लें, उसको पीस करके उसका रस नाक में दो दो बूंद डालें। जिस साइड के दांत में दर्द होता है या दाढ़ में दर्द है, उसके अपोजिट नाक में डालना है और खींच लेना है ऊपर को, यानी नस से लेना है, तो दांत दर्द ठीक हो जाता है। एक बार में नहीं होता तो दो तीन बार करें, अवश्य ठीक हो जाता है। ये मेरा अनुभूत प्रयोग है, हमने अपनी दादी जी पे किया था तो उन्हें बहुत लाभ हुआ था। या मसूड़ों में कीड़े हैं तो उसमें भी काम करेगा नस से लेने से। तो ये मैंने आपको बताया, जैसे कि देखिए अंदर से इसको हम काटते हैं तो इसका जो बीज है, जो जड़ है, अंदर सफ़ेद निकलता है और इसको स्वाद में हल्का सा मतलब कसेला टाइप का होता है, कड़वा नहीं होता है, कड़वा स्वाद नहीं है, इसको हम खा सकते हैं। बाद में थोड़ा मुँह अजीब सा हो जाता है लेकिन उतना ज़्यादा कड़वा नहीं है। तो इसको हम खाएंगे और इसका हम क्वाथ लेंगे, फिर बुखार, खांसी, सर्दी जुकाम और दांत दर्द में इसका प्रयोग करेंगे तो बहुत ही लाभकारी होगा। और हर जगह मिल जाता है, पूरे भारतवर्ष में होता है, इसे मोथा के नाम से जाना जाता है। और जो नागर मोथा होता है वो दूसरा होता है, वो जलीय इलाके में होता है या जल के बीच में होता है, उसके बड़े बड़े 5-5, 4-4 फीट ऊँचे पौधे हो जाते हैं, जबकि आधा से एक आधा फीट से ऊपर ये नहीं जाता है। तो ये इसकी मोथा नागर मोथा में अंतर है और इसके जड़ के मैंने फ़ायदे बताए। आप लोग अच्छा लगा तो वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, जब और इसके कमेंट के माध्यम से अपने अनुभूत नुस्खे ज़रूर बताइएगा। इस पर कुछ होगा तो जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।